बरेली में एक नवविवाहिता को शादी समारोह में पति को शराब, सिगरेट पीने और गुटखा खाने से मना करना भारी पड़ गया। नशे में धुत पति ने बीच सड़क नवविवाहिता को जमकर पीटा, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और देर तक थाने में भी चलता रहा। आखिर में पुलिस ने नवविवाहिता की शिकायत पर पति और ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले के रामनगर में गिरजा देवी के मंदिर के पास रहने वाले निरंजन सिंह की बेटी काजल सिंह की 2017 में बरेली के बारादरी थाना के माधोबाड़ी निवासी तरुण सिंह से हुई थी, जिसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा और नवंबर 2023 में दोनों के परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी हो गई। वहीं बुधवार को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बाके बिहारी मंदिर में तरुण के ममेरे भाई यश की शादी थी, जहां पूरे परिवार के साथ काजल भी गई थी। इस दौरान जब बारात चल रही थी तो काजल ने अपने पति तरुण की जेब से शराब, सिगरेट और लाइटर निकालकर फेंक दिया, साथ ही मुँह में डाला हुआ गुटखा थूकने को कहा। इसी बात से बौखलाए तरुण ने काजल को बाल पकड़कर बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। नवविवाहिता का आरोप है कि पति के साथ देवर और सास ने भी उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके कपड़े तक उतार दिए। इससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि जब विवाहिता शिकायत करने पुलिस चौकी पहुंची तो वहां भी उसके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। इस दौरान बमुश्किल स्थानीय निवासी नवविवाहिता को बचाकर थाने ले गए, जहां पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से आए दिन उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। इसके अलावा ससुराली भी उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, जबकि शादी समारोह में पति के साथ उसकी सास और देवर ने भी मारपीट की। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही सीओ प्रथम संदीप सिंह ने भी पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मेरा नाम काजल है, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरी यहाँ नई नई शादी हुई, शादी का भी 3 महीना हुए। अब मेरा पति रोज दारू पी के आता है, मारे पीटी रोज करते हैं, रोज टॉर्चर करते हैं। मेरे साथ भी मेरे देवर भी गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो होती कौन है, क्या हुआ आज? यो मैं शादी में आ रही थी, इनके रिलेशन वाले, शादी वाले जो भी हैं, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं, मामी के लड़के हैं शायद। और वहां पे मैंने इनसे कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला जो फालतू की चीजें रखी है, गंदी चीजें, इन्हें फेंक दो। इन्होंने गुटका ये दारू वारू पता क्या क्या रखा था इन्होंने, बस वो फेंकने के लिए बोला तो उन्होंने मेरे बाल उल खींचे, देवर ने, पति ने भी और सास ने भी, सबने बहुत मारा मेरे को। मेरे बाल देख सकते हो आप, ये कितना मारा मेरे को, पूरे कपड़े उतार दिए मेरे बीच सड़क में। क्या मैम, ये रोड पे ही हुआ? हाँ जी, रोड पे हुआ। आए दिन घर पे भी मारते रहते हैं मेरे को। आपने परिवार वालों से अपने कही है? मैंने नहीं कहा, मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो कोई बात नहीं। तो आज ऐसा क्या हुआ जो चौकी के बाहर भी इस तरीके का शोर? बीच सड़क पे मारा मुझे, बाल घसीट घसीट के कपड़े उतार दिए मेरे। कौन कौन लोग थे? मेरे देवर था, मेरे पति थे, मेरे यार क्या बोलते सास थी, सब जने थे, काफी जने थे, सब तमाशा देख रहे थे। तरुण क्या करते हैं? वो मार्केटिंग। और आपके देवर जो हैं वो भी मार्केटिंग करते हैं? किस जगह? यहीं पे माधोबाड़ी 26B। माधोबाड़ी के ही रहने वाले हैं? हाँ। आपकी सास का क्या कहना था उसमें, कोई बचाया उन्होंने? नहीं, बल ठीक हुआ जो हुआ, तेरे साथ ऐसी होनी चाहिए था। मेरे देवर भी यही बोला था, बल तू होती कौन है, ये वो गाली गलौज करके बात करते मेरे देवर भी मेरे से, बल तू ही ऐसी है वो है करके। और सर हाँ, मैं जरूरी बात बताना चाहूंगी, आए दिन कोई ना कोई इनके घर में लड़का लड़की आते रहते हैं। मैं मना करती हूँ तो बोलती मेरे सास हमारे जब तक हम जिंदा है जब तक सब आएंगे, मगर सब तो आने चाहिए, मगर ये थोड़ी लड़का लड़कियों को पास सुला दो, ये कर लो वो कर लो, सब आ रहे जा रहे हैं, नई नवेली दुल्हन, अच्छा थोड़ी लगता है घर में। कि आपकी रजामंदी से शादी हुई? रजामंदी थी मेरे पसंद से। लव मैरिज थी, मगर मुझे ये नहीं पता था ये ऐसे अगर के दारू। इनसे मुलाकात हुई थी आपकी? कैसे? मंदिर पे हुई थी इनसे बस मुलाकात। कौन से मंदिर? गर्जिया मंदिर। गर्जिया मंदिर। तो कितने टाइम पहले मुलाकात हुई थी? और मुलाकात 2017 में हुई थी, 2023 में शादी हुई हमारी। 23 में शादी हुई, मगर मुझे ये नहीं पता था, मैं काफी दूर रहती, मुझे ये नहीं पता था ये इतना नशा वसा करते हैं। मगर इनकी मम्मी बोलती हर समय मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा साफ सुथरा है, ये ऐसा है वैसा है, औरों के बच्चे गंदे होते हैं, हमारे बच्चे शुद्ध अच्छे हैं, ये है वो कहना मानते। वो तो आज आप भी देख रहे हो, आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हो, कैसे कपड़े उतार रहे थे मेरे, चूड़ा ओड़ा सब मेरे को इतना मारा पीटी, सर में चोट आई है मेरी, आप देख सकते हो। और एक लड़का आया, वो लड़का पता नहीं कौन था, इन्होंने बुलाया, वो लड़का भी मेरे गाल पे रख के गया, वो भी उल्टा सीधा बोल के गया। मैं उसके 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 भी कार्रवाई चाहती हूँ, मैं पहचान लूंगी, उसके ऊपर भी कार्रवाई चाहती हूँ, उस लड़के के ऊपर। वहां पे थाने में मार के गया मुझे और उल्टा सीधा गाली गलौज देके भी गया।
इन्होंने बुलाया और बोल लेते मेरे देवर बल पुलिस वाले से तू क्या करवाई कि करवा लेना पुलिस वालों को, तो मैं जेब में रखता हूँ ये है वो करके पुलिस वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। नगरी में है या किसी भी नहीं, बस बदमाश बदमाश मेरे देवर पे एक केस चल रहा हूँ ऑलरेडी। किस मामले में? पता नहीं किसके मामले में, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताया, इनके ऊपर केस चल रहा है। पुलिस की धमकी दे, पुलिस की धमकी दे रहे मुझे, तू क्या कर लेगी चावल कर ले, और गाली ग्लोज उल्टी सीधी हमारे उत्तराखंड में तो ऐसे बोला भी नहीं जाता, जितनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे ये मेरे से उल्टा सीधा बदतमीजी की तरह रोज पैसे आते हैं, और कहते बल तू होती कौन है हमारे फैमिली के बीच में बोलने वाली, क्या खरीद के लेकर आए थे मुझे? ये एक काजल सिंह है जो माधोबाड़ी थाना बारादरी की रहने वाली है। आज प्रेम नगर क्षेत्र के अंतर्गत बाकी बिहारी मंदिर में इनके एक रिलेटिव की शादी थी, जहां पर ये शादी में गई हुई थी। यहां पर इनके पति को, इन्होंने अपने पति को गुटखा और सिगरेट पीने से मना किया, जिस पर जो है पति आक्रोशित होकर इनको बीच सड़क पे जो है उसकी मार पिटाई करने लगा, जिसको लेके ये शिकायत लेके थाने पर आई है। इनके द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई और संबंधित सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर देवर पे और सास पे भी आरोप लगा रहे हैं? हाँ, जैसा कि इनका बता रहे हैं कि जो अभी पिछले 3 महीने हुए इनके शादी को, तब से लेके इनके परिजनों द्वारा इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, और उसी क्रम में आज घटना में देवर और सास मौके पर मौजूद थी, जिनके द्वारा भी इनके साथ मारपीट किया जाना बताया जा रहा है।